हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी गैंग में आपका स्वागत है। ये जो है आपका चैप्टर जो है क्यूब एंड क्यूब रूट का होगा। इसमें जो है आपको क्यूब भी बताऊंगा, किसी भी नंबर का बहुत तेजी से आप क्यूब कैसे निकाल सकते हैं और उसका यानी घन और घनमूल। क्यूब का मतलब होता है घन और क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल। कैसे तेजी से आप निकालेंगे, निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेजी से निकालना एग्जाम का वो पर्पज रहता है, समझ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि कंटिन्यू वीडियो चल रही है, आप पता नहीं कहाँ खोए हैं या सोए हैं, पता नहीं चल रहा है। आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह आपको करते रहना है। आप दिखेंगे यानी अपना प्यार दिखाएंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट एनर्जी एनर्जी मिलेगा। तो थोड़ा शेयर करते रहिए बस, और कुछ नहीं, ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि घन का मतलब क्या है। घन का मतलब क्यों होता है, घन का मतलब कि किसी नंबर का, किसी नंबर का, नंबर को नंबर लिखूंगा ऐसा तो ठीक लगेगा, नंबर लिख देता हूं, एन यू एम बी ई आर लिख लेना। किसी नंबर का आपस में तीन बार क्या होगा, तीन बार गुणा। जैसे मैं आपसे कह दूं, जैसे मैं मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है x और इसी x का आपस में कितनी बार, तीन बार गुणा। इसको आप कैसे लिखेंगे, x का क्यूब, ऐसे x x x तो x का क्यूब। तो ये हो गया, क्या हो गया, x का घन, x का क्यूब, ऐसे इसको बोलते हैं। तो किसी नंबर का आपस में तीन बार गुणा का मतलब है घन, यानी घन। सुनिएगा, जैसे क्या होता है, होता क्या है कि हम लोगों को कोई भी किसी भी नंबर का घन निकालने के लिए कोई विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी ने बोल दिया कि आप 35 का घन निकाल के बताओ, 35 का घन, तो आप करना कुछ नहीं है, एकदम आसान बात है, 35 35 35, तीन बार आपस में गुणा करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे गुणा करने लगेंगे ना तो एग्जाम नहीं निकलेगा। गुणा तो निकल जाएगा लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा। लेकिन हम लोगों को एग्जाम निकालना है तो आइए मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ, ट्रिक बताता हूँ आपको, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये आज के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए बन जाएगा। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, एक काम कर लो आप कि कम से कम 10 तक आप घन याद कर लो। और आप जहां बैठे होंगे, मैं कह रहा हूं कि आपको पक्का याद भी होगा। जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे एक का अगर घन निकालेंगे तो एक का घन कितना होगा, एक ही होगा। अगर दो का आप घन निकालेंगे तो कितना होगा, आठ होगा। तीन का अगर आप घन निकालेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। अगर आप चार का घन निकालेंगे तो कितना होगा, 64 होगा, 64 है ये। अगर आप पांच का घन निकालते हैं तो कितना होगा, 125 होगा। अगर आप छह का घन निकालेंगे तो कितना होगा, 216 होगा। अगर आप सात का घन निकालते हैं तो कितना होगा, 343 होता है। आठ का घन निकालेंगे तो 512 होता है। और नौ का घन निकालेंगे, नौ का घन तो 729 होगा, ठीक है। और दस का घन निकालते हैं तो कितना होगा, 1000। इतना आप जानते होंगे और ये आपको जानना पड़ेगा, मजबूरी रहे आपको इतना याद करना। लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको ये पहले से याद है, इतना आपको पहले से क्या है, याद है, ठीक है। ये यहाँ पे घन है, इसमें बहुत बड़ा तीर नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। रह गई बात याद करने की, जिनको याद है, एग्जाम में बैठेंगे तो पक्का आप याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लेना यार, दो दो तीन तीन आप याद कर लेना, एक दिन में याद हो जाएगा या एक ही दिन में याद कर लेना। अब आइएगा, हम लोग चलेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इतना लिखवाया, नहीं तो मैं भी नहीं लिखवाता, मैं बोल देता कि अच्छा है। आपको लगता कि सर क्या है जी, एक से लेकर नौ तक लिखवा रहे हैं, क्या ये सब लिखवा रहे हैं सर, इतना तो हम लोगों को पता ही है। अब आते हैं हम लोग आगे, समझ रहे हैं। देखिएगा आगे में क्या है, कैसे ट्रिक आपका काम करता है, क्या है ट्रिक और कैसे काम करता है, इसकी बात मैं करूंगा। सुनिएगा, जैसे कि मैं ये मान के चलता हूँ आपको 10 तक याद है, तो करना क्या है, ये चल रहा आवाज आ रहा है जी, ओके। सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने बोल दिया कि 13 का घन निकालिए, तो कुछ नहीं करना है आपको, 13 अगुणे 13 अगुणे 13 कर लेना है, कर लेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं अभी बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे करेंगे तो एग्जाम तो नहीं निकलेंगे आपके। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक कैसे काम करता है कि दो पार्ट में इसे आप बांट लें, दो पार्ट में आप इसे चीर दीजिए, बांट दीजिए। जैसे मैंने वर्ग में बताया था, यानी स्क्वायर में बताया था, सेम वही ट्रिक है। आप ऐसे दो पार्ट में बांट लीजिए। अगर मैं आपसे अकेला तीन का घन पूछूं तो आप क्या बताएंगे, तो तीन का घन कितना होता है, 27। तीन का घन कितना होता है, 27। लेकिन ध्यान रहे, जब जब आप ऐसे करेंगे तो यहां तीन अंकों में,
इस वाले इस इकाई स्थान वाले का अगर आप घन निकालेंगे तो तीन स्थान में रहना जरूरी है। तो तीन स्थान के लिए यहां पर एक चाहिए, तो कहेंगे कि सर मैं कहां से लाऊं, तो आपको लाना नहीं है, आप यहां जीरो रख दीजिए। जैसे मैं एक बता देता हूं, जैसे ये मान लीजिए कि सात लिखा है और सात को दो अंकों में लिखो, तो आपने इधर जीरो मत बढ़ाना, इधर आप जीरो बढ़ाएंगे तो ये सात ही है, इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है। बाएं तरफ आप जीरो बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और इतनी बात आप जरूर जानते होंगे। और रह गई बात किसकी, अब एक की, तो एक का घन करेंगे तो कितना होगा, एक का घन करेंगे तो एक ही होगा, एक का घन करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक तीर देखिएगा, ये प्यारा सा तीर एक देखिएगा, ये देखिए, अब ये तीनों को आपस में गुणा करना है, किसको किसको मैं बता रहा हूं, तीन, ये और ये, क्या है, तीन गुड़े एक, तो ये कितना होगा, तीन तिली का नौ, यानी थ्री थ्री जा नाइन होगा, और इसी नाइन में ये जो संख्या है उस संख्या का आपको गुणा करना है, तो ये कितना होगा, तेरह नौ एक सौ सत्रह, एक अंक छोड़ के 117 यहां लिखो और इसी को ऐड कर देना है। सेम आपने ऐसा कहां पे पढ़ा है, ये आपका कितना है, दो, एक एक जोड़ेंगे तो दो, 2197 होगा, 13 का घन कितना होगा, 2197। आइएगा एक और बताता हूं तो आपके दिमाग में बात घुसेगी, सुनिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोल दिया कि आप 17 का घन बताओ, 17 का घन बताइए, 17 का घन कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया कि कुछ नहीं करना, आपको दो पार्ट में बांट लेना है, दो पार्ट में आपने बांट लेना है इसको, दो पार्ट में बांट लिए। अब आप सुनिएगा, सात का घन बताइए, सात का घन कितना होता है, तो तीन चार तीन होता है, यहां तीन अंकों में चाहिए, तो पहले से ही तीन अंक में है तो बढ़िया है, कुछ नहीं करना है, नहीं होता तो किया जाता तीन अंकों में, तो ये तीन अंक में है। और एक का घन कितना होगा, तो एक का घन एक ही होता है। दूसरा क्या प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस ये वाला है, तीर वाला खेल है, ये तीन का और सात का और एक का, तो यहां पे क्या करेंगे, तीन गुड़े सात गुड़े एक, ऐसे आपको करना है, ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, करना है। तो अब आप करेंगे यहां पे, रुक जाइए थोड़ा सा, यस, अब देखिए ये देखिए आपका कितना होगा, 21। अब इस जो आया है गुणा करने के बाद उसमें 17 से गुणा कर देंगे, जो संख्या है उसी से गुणा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, अभी मैं आपको जस्ट एक दो बता देता हूं, समझा देता हूं, उसके बाद से आपको बता भी देता हूं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। सुनिएगा, 21 साथ 147 के साथ हासिल में लगेगा 14, और 21 के 21, 21 में आप 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 10 35, ये 35, एक अंक छोड़ के और यही 357 इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड का मतलब जोड़ लेंगे, ये 11 के हासिल 819, और यहां पे कितना है, ये 17 का क्यों 49 होता है, 17 का क्यों कितना होगा 49। एक और मैं आपको बताता हूं, फिर आप देखना, आप खुद ही करना शुरू कर दोगे। जैसे मैं ले लेता हूं 21, 21 का घन बताओ, अभी छोटा छोटा ले रहा हूं, बड़ा बड़ा भी ले लूंगा, किसी का भी घन निकालना है, मात्र मान लो 10 सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं बोलूंगा, 10 सेकंड कह रहा हूं, लेकिन 10 सेकंड बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, आप निकाल के देखिएगा, सुनिएगा और सुनिए, मैं ये कह रहा हूं ना कि कोई दूसरा तरीका सीखेंगे तो वर्ग के लिए एक अलग सा ट्रिक बनाएंगे, घन के लिए एक अलग सा ट्रिक बनाएंगे, याद करेंगे, उससे बढ़िया कि एक ही ट्रिक से, ये कौन बांटने वाला, दो पार्ट में चीरिए, जैसे इसी को करना है तो आप इसको दो पार्ट में बांट लो ऐसे। और मैंने क्या बताया, सबसे पहले एक का घन कितना होगा, तो एक का घन तो एक ही होता है, लेकिन हमको चाहिए यहां कितने अंकों में, तीन अंकों में नहीं आया, तो हम बाएं तरफ जीरो अपने मन से चाहे जितना जरूरत है उतना बढ़ा सकते हैं, तो मुझे तीन अंकों में लाना था तो दो जीरो की जरूरत पड़ेगी। दो का घन बताओ, तो दो का घन कितना होगा, आठ। अब क्या है प्रोसेस, तो ये तीनों का आपस में गुणा, ये तो सीरियल जैसा हो गया जी, तीनों का आपस में गुणा है ना, तो देखिएगा तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा। अच्छा ये बताइए, ये गुणा करना कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, शुरू में ये वाला दो शुरू में मैंने लिया तो मैं करके दिखाया, मैं तो ऐसे भी कर लूंगा और आप मेरे बच्चे आप भी ऐसे कर लेंगे। कैसे देखिएगा, थ्री मतलब तीन इकैया तीन और तीन दूना छ, यानी छ होगा, इन तीनों का आपस में गुणा होगा, तो अब इस छ का किससे गुणा होगा, 21 का, जो नंबर का घन निकालना है उस नंबर का एक बार गुणा होता है। यही पे मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, सुनिएगा, 21 छक्का 126, एक अंक छोड़ो और यही 126 जोड़ो, एक अरे ये तो राइमिंग हो गया जी, बहुत बढ़िया, एक अंक छोड़ो और यही 126 जोड़ो, देख रहे हैं कितना प्यारा सा लाइन बन गया,
ये आपका वन हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, टू हो जाएगा और ये नाइन, 92 61, 21 का क्यूब 92 61 होगा। मोबाइल उठाओ करके देखो, यही आएगा। अब देखिए मैं क्यों क्या कह रहा हूं आपसे कि आखिर ये सब मैं कर क्या रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कोई जादूगर हूं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपसे बताता हूं कि ये सब क्या है। आइएगा सुनिए, आपने जरूर पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और इंटू में a प्लस बी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ये चीज समझाता हूं। क्या मैंने बोला कि आपने क्या पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और इंटू में होता है ये, इंटू में a प्लस बी। कोई नंबर आप बोलो, लाइव रहते तो कोई भी नंबर आपसे मैं बुलवा देता, कमेंट में जो नंबर देना है तो मैं आपको आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा। सुनिएगा, मैं ले लेता हूं, जैसे किसी ने बोल दिया कि सर आप 28 का क्यूब निकाल के दिखाओ, तो क्या तरीका है कि दो पार्ट में बांटना है, बांट लो दो पार्ट में। अब मैं इसको ए समझ रहा हूं भाई मेरे, ए समझ रहा हूं, तो ए का क्यूब 8 का क्यूब कितना, 512, 3 अंकों में चाहिए तो 3 अंकों में ले लिया। b का क्यूब तो 2 का क्यूब, ये a मानो इसको, इसको b मानो, ये b है तो ये कितना होगा, 8 होगा। अब सुनिएगा 3ab यही तो है, ये 3ab यही तो है, तो ये 8 * 24 = 48 कितना हो गया, 48। आइए देखो यहां गुणा है तो गुणे, अब ये कितना है गुणे में a प्लस बी, तो a प्लस बी आपका कितना है, 28 ही है, इसी का गुणा करना है तो आप गुणा कर लेना आ जाएगा। तो सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, इसका ऐसे आप गुणा कर दीजिए, जल्दी करना है, 8 * 64 = 64 के 4 हासिल में लगेगा 6 और ये 32 32 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32 6 38 38 48 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 54 5 ये हासिल में लगेगा 5 और 8 * 2 कितना होता है, 4 * 8 8 5 13। यहां से एक अंक छोड़ो और कितना लिखो, 4 4 3 1, इसी को जोड़ो, एक अंक छोड़ो और जो गुणा करके आया है उसी को जोड़ो, तो यहां पे देखिए 2 5 9 और ये 8 * 3 = 11 और ये 2 21 952, 28 का क्यूब क्या हो गया, 21 952। मेरी बात आप समझ गए हैं, मैं 100% ऐसे विश्वास कर रहा हूं कि ये बात आप समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट, बड़ा बड़ा लेंगे, छोटा छोटा ले रहे तो आपको लग रहा है कि सर सर को तो 32 35 तक याद ही है, रियल में मुझे याद भी है तो आपको लग रहा होगा कि सर तो याद किए हुए हैं वही बस कर रहे हैं। आइए कुछ ले लेता हूं आपके लिए, क्या ले लूं बताओ, जैसे मैं कह रहा हूं मैं आपसे कि चलो मैं ना एक काम करता हूं, ज्यादा आगे नहीं, मैं कह रहा हूं कि चलो 43 ले लेता हूं, 43 का घन क्या करना है भाई, दो पार्ट में बांट लेना है, दो पार्ट में बांट लिया तो ये 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा, लेकिन चाहिए कितने अंकों में, 3 अंकों में, तो 3 अंक में 1 0 ले लिया तो हो गया। 4 का कितना होता है भाई, 64 होता है। अब ये प्रोसेस है, तीनों का आपस में गुणा तो 3 * 3 = 9 9 * 4 = 36 36 ऐसे लिखते हैं जी, 36 और 36 में गुणा होगा किससे, 43 से, गुणा कर लो तो ये देखिए 18 * 8 एक बार ऐसे गुणा, 18 * 8 हासिल में 1, 3 * 9 = 24, ये 9 और 24 9 और 10 10 में 24 जोड़ेंगे तो 34 * 4 हासिल में लगेगा 3, आइए गुणा करेंगे तो 3 * 4 = 12 12 12 3 15, यही यहाँ पे कट करो, एक अंक छोड़ो अब बाकी सब जोड़ो, ये 48 है और ये कितना है, 15 है, तो करोगे तो 7 0 5 9 7, यही आपका आंसर है। आप चेक कर लो मोबाइल से, देखो क्या गलती है कि सही है, लेकिन 100% सही होगा, गलती तो होने का चांस ही नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि गलती है कि सही, 4 7 7 का होगा कितना, 3 4 3 और 3 4 3 का मतलब 7 7 3 10 10 मतलब 1 और ये हो गया 9 कैंसिल हो गया, 7 7 14 14 5 19 19 का मतलब 10 10 मतलब एकदम सही। कोई और आप नंबर ले लो यार, जो बोलना है ले लो, आप कितना भी बड़ा सा नंबर ले सकते हैं, चाहे जो, ये जगह नहीं है क्या, मैं जगह आपको बनाता हूं यार, बिना जगह बनाए तो मजा नहीं आएगा। आइए एक और नंबर आपको लेके दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि सर आप ना 90 95 का बताओ 95 का बताओ,
छोटे छोटे नंबर तो आप तब से लिए जा रहे थे, यहाँ पे वर्ग मत करो सर, अपने घन करो, छोटे छोटे नंबर का तो कर लेगा कोई भी, आप इसका करके दिखाओ। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, जितना बड़ा होगा थोड़ा गुणा बड़ा होगा और हम कर लेंगे क्योंकि मेहनती है, बस ऐसा समझ लीजिए। पांच का कितना होगा 125 होगा, नौ का कितना होगा 729 होगा, तीनों का आपस में गुणा 15 15 9 135 होता है क्या, 3 5 15 15 9 35 और 35 में 95 से गुणा कर दो तो 5 5 25 के 5 हासिल लगेगा 2, 13 5 65, 13 5 65 2 67 और ये 9 5 45 के 5 हासिल लगेगा 4, 13 9 17 17 4 17 4 17 4 21 21 तो कितना हो जाएगा 121। ये देखिए 5 और ये 2 और ये 7 1 8, 7 होगा तो 8 और ये आपका 12। एक अंक छोड़ो बाकी सब जोड़ो, 5 2 8 1 2 और इसी को क्या कर लो जोड़ लो 5 7 3 17 के साथ हासिल 1 4 1 5 और ये 8, ये आपका आंसर है। करके चेक करके देख लो गलती है कि सही है। 9 हटाओ 5 के 125, 7 1 8 होगा, 8 चाहिए हमको 8। तो यहां से देखिए 7 3 10 1 हो गया और 1 हो गया ये वाला 7 3 10 5 15 और 15 12 27 27 कैंसिल 8, ये एकदम सही। कोई और नंबर ले लो, आप कहेंगे कि सर दो दो अंक वाले ले रहे हैं, कोई 3 4 5 अंक वाला ले लो, ले लो इतना ले लिया मैं, ये ले लिया, इसका घन बताइए आप, इसका घन बताइए। कुछ नहीं करना है, मैंने बताया कि आप दो पार्टों में चीर लो, चाहे जहां से चीरना है चीरो, आप दो पार्ट में जहां से बांटना है। कोई कहेगा कि सर यहां से बांटो, तो पहले 34 का पता होना चाहिए, ये समझ लीजिए। तो बांट दिया मैं, बांटने का मतलब ये है कि पहले ये इसका 4 का कितना होता है 64, लेकिन यहाँ पे चाहिए कितने अंकों में, 3 अंकों में, इधर 0 बढ़ा लिया। अब ये देखिए 13 का कितना होता है, 13 का कितना होता है 2197, 13 का क्यू आपको पता होना चाहिए 2197 होता है, नहीं तो फिर उसमें भी ट्रिक लगाओ। अब ये हो गया, अब इन तीनों का गुणा आपस में, तो ये 3 चौके 12, अब 12 में 13 से करेंगे तो 156 होता है, 12 13 156, अब इसी में कितना 134 से गुणा करना है भाई, करो कितना होगा 24 के 4 हासिल में लगेगा 2, 15 चौके 4 2 62, ठीक है। अब ये देखिए 34 18 के 8 हासिल 1, 15 3 45 46 और यहाँ पे 6 5 1 जोड़ो 4 0, 18 एक 19 के 9 हासिल 1, 9 एक 10 के 0 2, ये जोड़ के जो आया उसी को यहाँ पे एक अंक छोड़ो और इसको लिखो, एक अंक छोड़ो और ये आपका जोड़ो, ये बहुत बढ़िया राइमिंग अभी बन गया है, एक अंक छोड़ो और बाकी सब जोड़ो, 4 एक एक 10 के 0 ना होगा जी, 10 के 0 हासिल 1 1, 16 के 6 हासिल 1, 10 के 0 हासिल 1, 3 है तो 4 होगा और ये 2 होगा, यही आपका आंसर है। चेक कर लो एक बार कितना होगा, 4 और 4 8, 8 का 512, 512 का प्यारे बच्चों कितना होगा 7 एक 8, 8 ही हो जाएगा क्या, यस 8 आना चाहिए आंसर में, आंसर में 8 आना चाहिए। तो ये देखिए 6 4 10, 10 को हटाओ 1 हो जाएगा, 10 2 12 12 12 10 2 12 12 4 16, 16 मतलब 8, 16 का मतलब 7 ही ना होगा, कहीं गलती हो रहा है पक्का, कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है देखिए 4 का कितना होगा 64 होगा, ठीक है 2197, 13 का 12 का 1728, 2197 ठीक है। अब यहां देखिएगा 12 12 में 13 से गुणा करेंगे 156, 156 में 134 से गुणा करेंगे, 24 के 4 हासिल 2, 15 के 7 62, ठीक है 18 के 8 हासिल 1, 15 के 45 46, 18 के 8 हासिल 1, 15 के 45 46, ये हो गया और ये 156, ये 10 के 0, 36 18 19 9, 9 1 10 के 0 1 2। अब यहां पे मैं रखा एक अंक छोड़ के 4 0 9, ये ठीक है 4 10 के 0 1 9 7 16, 16 के 6 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 और ये 2, सही तो है। आइए एक बार मैं चेक कर लेता हूं मोबाइल, एकदम सही है, मैं गलत नहीं देना चाह रहा हूं इसलिए मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, लेकिन आपके सामने मैं करके एक बार चेक कर लेता हूं। और सुनिए बड़े बड़े जब नंबर आएंगे ना भाई तो कोई आसान बात भी नहीं है इतना बड़ा बड़ा, लेकिन आएगा सवाल जब आएंगे तो अलग अप्रोच बताऊंगा। जो मेरी वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं मैं समझते हैं कि अलग अप्रोच लगाने का मेरा मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे 100 कितना है भाई 134 और गुणे में 134 गुणे में 134, ये देखिए 24 0 6 104, देखिए एकदम सही आया है, एकदम सही आया है, ये 24
06104। जल्दी जल्दी चेक करने में मेरा गलती हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो इसी अच्छी के नाम पे आप क्या कर दीजिए, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करिए, थोड़ा दोस्तों को बताइए। देखिए इतना दिन हो रहा है हम लोग 37-35 ऐसे 36 जो है हमारे व्यूअर जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? कंटिन्यू आपके लिए काम हो रहा है, सपोर्ट की जरूरत है बस। और आइएगा, कुछ और बड़ा लेके दिखा रहा हूँ। आप ये कहेंगे कि सर इतना ही लेके आप बता दिए, कुछ और बड़ा ले लीजिए। आइए कितना ले लूं आप मुझे बताओ, कितना ले लूं, कितना बड़ा? जैसे आप कह देंगे कि सर 715 लेके बताइए या 618 लेके बताइए, 936 ले, कुछ भी जो आपका मन कर रहा है वो बोल दो। लेकिन बोलोगे, बोल देंगे तो उठाएंगे आप भी इसका, करना पड़ेगा आपको ही, समझ रहे ना? ये कोई आसान बात भी नहीं है, ये घन इसका निकलना है। दो पार्ट में कर दो, दो पार्ट में। अब ये 71 का देखो, 71 का हमें पता ही नहीं है तो कैसे करोगे? 71 का घन, 71 के लिए अलग से घन निकालना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आइएगा कितना होगा, 27 तो तीन अंकों में चाहिए। 71 का, 71 का मैं कहाँ निकाल दू, यहाँ पे निकाल देते। देखिए 71 का घन निकालना है तो दो पार्टों में, तो 001 होगा, यहाँ पे 343 होगा, और ये 3 और 17 के 21, 21 में 71 से गुणा करेंगे तो 21 के एक अंक छोड़ के एक हासिल में लगेगा 2, और 21 7 147, 47 में जो जोड़ेंगे तो 47 49, ये आपका हो जाएगा 119 7 5, ये 5 है, और ये आपका कितना हो जाएगा 3 35, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 35 7 9 1 1, ये आपका इसका हुआ। अब इसका गुणा करिए तो कितना होगा, 3 3 9 9 9 9 7 63 ये होगा, और 713 में फिर अभी गुणा करना है तो करिए, 9 3 27 के साथ हासिल में लगेगा 2, और 3 3 9 9 2 11 के एक हासिल में लगेगा 1, और ये आपका 18 1 19, यहाँ पे तो 9 ही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 7 63 के 3 हासिल में लगेगा 6, 7 3 21 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 27 हासिल में लगेगा 2, और यहाँ पे कितना होगा 9 9 7 7 7 6 42 42 2 44, इसी को जोड़ो यार, आसान बात भी नहीं है यार, मैं देखिए आपके सामने ही कर रहा हूँ। 0 और हासिल में एक लगेगा तो 10 10 6 हासिल 1, और ये 8 8 8 6 14 14 15 5 हासिल 1, ये 5 और ये 4, ये इसी को यहां पे लिखना है एक अंक छोड़ के, कितना 7 0 6 5, और फिर आपका 5 और 4 है, इसी को जोड़ो 7 9 0 7 6 14 के 4 हासिल 1, 7 4 11 12 2 हासिल 1, और 6 और ये 3, ये आपका आंसर है इतना बड़ा सा। देखिए एग्जाम में ऐसे आएंगे भी नहीं, लेकिन मैं ट्रिक समझा रहा हूं तो इस ट्रिक पे मतलब काम कर रहा हूं, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आप इसको चेक कर लेना, 100% सही होगा, कहीं अगर गलत भी होगा तो प्रोसेस गलत नहीं है, बस इसमें ये बड़ा हो गया होगा इस वजह से गलती है, होगा लेकिन होना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा उम्मीद है। आइए एक बार चेक ही कर लेते हैं आपके नाम पे, सुनिएगा ये कितना होगा, 7 8 8 3 11 11 मतलब 2 2 का मतलब 8 8 आना चाहिए, 9 हटाओ और 6 3 9 हटाओ, ये आपका 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, अब ये कितना बच गया, 7 2 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 7 17 17 का मतलब 8, एकदम सही, 18 था 18 एकदम सही है, जाओ मोबाइल लेके चेक करो एकदम सही होगा। तो ये आप ऐसे किसी भी नंबर का आप घन घनमूल निकाल सकते हैं, सॉरी घन आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे घनमूल पे, घनमूल एकदम झटके में आप सीख लेंगे, ये तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन भी है, घनमूल में कुछ नहीं है, सेकेंडों में आप सीखेंगे, एकदम 100% कह रहा हूं, 1 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका इसको सीखने में। क्या चीज को घनमूल, जिसको क्यूब रूट बोलते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक यही है, क्या है टॉपिक आपका, कहा गया भाई, कहा गया, कहा गया नहीं है, कोई बात नहीं, यहां से हम ले लेंगे ऐसे, ये जो है आपका क्या है घनमूल, क्या अब इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, क्यूब रूट, क्यूब और ये रहा आपका रूट, क्यूब रूट को हिंदी में बोलते हैं घनमूल। देखिए वीडियो अगर बढ़िया लग रही है तो ऐसे आप मत निकल जाइए, थोड़ा सा एक गुरु दक्षिणा जिसको बोलते हैं ना कुछ आपको देना पड़ेगा, आपको यही करना, बस शेयर करो दोस्तों से, समझ रहे, और ईमानदारी से आप पढ़ो, यहाँ पढ़ो या मेरे से पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, ईमानदारी से पढ़िए, पढ़ना जरूरी है, समझ रहे हैं। घनमूल का क्या मतलब है, जैसे आप वर्गमूल निकालते हैं वैसे घनमूल, घनमूल का साइन ये है, ये देखिए ऐसे लिखा होगा, ये किसी भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे दे रखा है, इसका मतलब घनमूल निकालना है, और आप जानते हैं कि ये 8 का क्यूब है, 8 का, ऐसे करते हैं, देखिए गुणनखंड विधि ये सब होता है विधिया, ये 500 कितना है 12, तो आप 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 2, यहाँ पे 2 4 हो गया तो 5
है ना, 5 हो गया और ये कितना होगा 6, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 1, 2, 8, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 64, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 32, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 16, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 8, यहाँ देखिएगा 8 है ना, फिर 2 से कटाएंगे तो 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 2, फिर 2 से कटाएंगे तो 1, तीन तीन का पेयर बनता है, घनमूल है ना, तीन का 3, 3, 3, तो घनमूल बराबर लिखेंगे 512 का घनमूल बराबर 2 × 2 × 2 और बराबर में कितना 8, 8, 512 का घनमूल क्या होगा 8, ऐसे निकालते हैं। लेकिन ये सब तो घर के लिए भाई, एग्जाम में ऐसे करोगे तो बस हो तो गया, एग्जाम निकल गया, समझ लीजिए। एग्जाम में कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, आइए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। छोटा सा एक आपको एक चीज आपको याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ अभी, जस्ट सुनिएगा। एक का घन करेंगे तो कितना होगा भाई 1, 2 का घन करेंगे तो कितना होगा 8, 3 का घन करेंगे तो कितना होगा 27, 4 का घन करेंगे तो कितना होगा 64, 5 का घन करेंगे तो कितना होगा 125, 6 का घन करेंगे तो कितना होगा 216, अगर 7 का घन कर दिए तो कितना होगा भाई 343, अगर 8 का घन कर दिए तो कितना होगा 512, अगर 9 का घन कर दिए तो कितना होगा 729, अगर 10 का घन कर दिए तो कितना होगा 1000, ठीक है, नहीं भी दिख रहा होगा तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए, किसी भी कोई कितना बड़ा से बड़ा आप नंबर ले लो, अगर इकाई स्थान पे 1 है तो उसका घन निकालेंगे तो इकाई स्थान पे 1 ही आएगा, चाहे आप जो लो ले, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला 6, 4, 8, 3, 2, 1 इतना और इसका निकालो घन, तो इसकी ये इकाई स्थान पे 1 है ना, तो आंसर इसका घन भी निकालोगे तो इकाई स्थान पे 1 ही आएगा मेरे भाई, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 रहेगा तो 1 आएगा, 2 रहेगा तो 8 आएगा, ठीक है, 3 रहेगा तो 7 आएगा, ये देखिए, और 4 रहेगा तो 4 ही आएगा, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 9, 0 है तो 0। क्या मैंने बोला, आप ध्यान दीजिएगा, जब जब 2 रहेगा तो क्या आएगा 8, और जब जब 8 रहेगा तब क्या आएगा 2, देखिए 2 है तो इकाई स्थान पे 8, 8 है तो इकाई स्थान पे 2, जब जब 3 रहेगा तो इकाई स्थान पे 7, जब जब 7 रहेगा तो इकाई स्थान पे 3, ये वाली बात जिसको याद आ जाएगी, जिसको समझ में आ गया, वो एकदम तुरंत घनमूल निकालेगा, सेकंड में घनमूल निकालेगा। कैसे, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, शायद मेरी बात अगर ना समझ में आई हो तो आप बने रहिए वीडियो में, तुरंत अभी समझ में आ जाएगा, मैं उदाहरण पूछ लूंगा। जैसे पहले ही यहाँ पे उदाहरण लेके रखा गया है, जैसे किसी ने बोल दिया कि आप इसका घनमूल निकालो, कुछ नहीं करना है, इधर से 3 लोगों को पहले पकड़ लेना है कि बेटा इधर आ जाओ, 3 लोगों को पकड़ लेना है, और अब इन 3 लोगों को इकाई, इन 3 लोगों में से इकाई स्थान को देखिए, यूनिट डिजिट को देखिए कि इसके क्या है इकाई अंक पे क्या है, तो इकाई अंक पे 6 है, तो एक ऐसा नंबर मतलब 6 ही होगा इकाई। अभी तो मैं बोला जस्ट कि इकाई स्थान पे देखिए 6 है तो 6, या इधर 6 है तो इधर भी 6, इधर 6 है तो 6, इधर भी 6 है तो 6, यानी अगर 6 का घन करेंगे तो इकाई स्थान पर 6 आएगा, और 216 का घनमूल निकालेंगे तो भी इकाई स्थान पर 6 आएगा। तो मैंने 6 लिखा यहां पे, कहां गया जी 6, देख के मैं 6 लिखा, अब बच गया 17, तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका घन करने पर 17 से कम हो जाए लेकिन ज्यादा नहीं, 17 से, जिसका घन करने पर 17 से कम हो जाए पर ज्यादा नहीं। तो सुनिएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 होगा, 3 का घन करेंगे तो 27 होगा, तो 27 तो ज्यादा हो गया, यानी 2 पक्का आंसर आपका क्या होगा 26, 26 का घन 17, 576 होता भी है, ठीक है। अब आइएगा, जैसे अगर नहीं समझोगे तो इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, इधर से आप पेयर बना लो, इधर से आप पेयर बना लो और इसका इकाई अंक देखो, इकाई अंक 9, तो इसका मतलब कि घनमूल का भी इकाई अंक क्या होगा 9 ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं सिर्फ 2 बदलता है 8 में, 8 बदलता है 2 में, 3 बदलता है 7 में, 7 बदलता है 3 में, बाकी सब नो चेंज, सब वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो अब यह आ गया 24, 24 का क्या करें भाई, तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका वर्ग, सॉरी जिसका घन 24 से कम हो जाए पर ज्यादा नहीं। तो आप कहेंगे कि अभी मैंने बोला कि अगर 3 का घन करेंगे तो 27 हो जाएगा, तो ये तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब 2, तो 29 का क्या होगा 29 आंसर हो जाएगा, ये 24 और 30 9 का घनमूल क्या होगा 29 होगा। आइए इसमें समझ लीजिए, अगर बचा कुछ होगा तो इसमें समझ लीजिए, पेयर बनाइए, 3
तीन को पहले ले लीजिए एक साथ, एक समझिए तीनों को, कहां से इकाई अंक की तरफ से तीनों को एक समझिए। तो ये देखिएगा, अब इकाई स्थान पे तीन है तो तीन सात या सात तीन, तो तीन है तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे इकाई स्थान पे सात। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। अब रह गया पचास, तो एक ऐसा नंबर यहां पे घनमूल का चिन्ह है, तीन लिखा रहेगा तो घनमूल का चिन्ह है। सुनिएगा, अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो जिसका घन करने पर 50 से कम हो जाए पर ज्यादा नहीं। तो आप सुनिएगा, तीन का करेंगे तो 27, चार का करेंगे तो 64, यानी पक्का यहां तीन होगा, 37 का घन है ये, यानी 50 653 का घनमूल 37 होगा। चेक कर लो, आपको चेक करना है तो। मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो आइएगा एक दो और मैं आपको लेके दिखाता हूं, जैसे यहाँ पहले से लिया गया है, क्योंकि जानते हैं ना घनमूल ज्यादा बड़ा बड़ा याद रहता नहीं है, तो जानबूझ के पहले से मैं ले लिया। कुछ नहीं करना है, ये आप पेयर बनाइए, तीन लोगों को एक साथ ले लीजिए और इसका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक देखा आठ, आठ रहेगा तो दो होगा, दो होगा तो आठ होगा, आठ रहेगा तो दो, दो रहेगा तो आठ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दो। अब 32 को पकड़िए, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका घन घन करने पर 32 से कम हो जाए पर ज्यादा नहीं, तो चार का करेंगे तो 64, तो तीन होगा ना, तीन का 27 होता है, यही आपका आंसर है। 32 38 का घन है, या 32 का घनमूल 32 होगा। आइए इसमें देखिएगा, तीन लोगों को पकड़ लीजिए, तीन लोगों को पकड़िए, नौ तो इकाई स्थान पे भी क्या आएगा, नौ ही आएगा, नौ तो इकाई स्थान पे भी, दो में ही बदलता है भाई, सात रहेगा तो तीन होगा, तीन रहेगा तो सात होगा, दो रहेगा तो आठ होगा, आठ रहेगा तो दो, बाकी सब वैसे ही रहेगा। मेरी बात आप समझ गए। अब इसको पकड़ लीजिए, इसका क्या होगा, आठ का करेंगे नहीं, आठ का नहीं, चार का करेंगे तो 64 होगा, तो पक्का तीन होगा, ये 39 का है। समझ रहे हैं, आइए इसमें देखिए, तीन को पहले पीछे से पकड़ लीजिए, पकड़ लिया, नौ दिख गया आपको इकाई स्थान पे, तो इधर भी इकाई स्थान पे क्या होगा, नौ होगा। 117 तो करिए, सात का 300, छह का 216, पांच का 125, तो वो भी ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब चार, चार ये आपका आंसर है। ध्यान रहे, नोट नोट ये ट्रिक तभी काम करेगा जब संख्या रियल में आपका परफेक्ट क्यूब नंबर हो, यानी घन हो, किसी ना किसी का घन हो तभी काम करेगा। कुछ भी अंदाज पे लिख दिया, तीन छ पांच चार तीन दो एक ऐसे लिख दिया, कहा कि इसका घनमूल निकालो, पता नहीं है किसी का घन होगा कि नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वो घन होना ही चाहिए तब ये ट्रिक काम करेगा, अन्यथा नहीं काम करेगा। और यही चीज मैं वर्ग के लिए भी, वर्गमूल के लिए भी बोल रहा हूं, जो मैंने ट्रिक आपको जो है बताया था वर्गमूल में, यही सेम ट्रिक है। समझ रहे हैं ना कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तभी वो ट्रिक काम करेगा, जो आपने वीडियो पीछे देखा था वर्ग एंड वर्गमूल वाला, वर्गमूल में। सुनिएगा, आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल। थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल। जय हिंद दोस्तों।